घमासान.com के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। उनका सबसे बड़ा झूठ यह है कि वो इन दिनों आम सभा में जाकर ये कहते हैं कि पूरा विपक्ष मेरे खिलाफ है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कुछ ही दल उनके खिलाफ बोलते हैं, बाकी कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो मोदी के साथ सत्ता में हैं या मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर मोदी ने या भाजपा ने गठबंधन कर रखा है। हम बात करते हैं सबसे पहले बिहार की। वहां पर नीतीश और रामविलास पासवान के साथ मोदी का गठबंधन है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं जहां पर कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं। यहां तक कि सपा और बसपा भी कांग्रेस के साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, वहां पर मोदी के खिलाफ कांग्रेस है, लेकिन ममता बनर्जी अलग है, वो राहुल गांधी के साथ नहीं है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन अभी हुआ है। इसी तरह से हम तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो वहां पर भी एआईडीएमके, बीजेपी, रजनीकांत और बाकी छोटे दल मोदी के साथ है। केरल की 20 सीट की बात करो तो देखने को मिलता है कि एक तरफ तो लेफ्ट का गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन है, और वहीं तीसरी तरफ बीजेपी का भी गठबंधन है। मध्य प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस से अलग हैं, यहां पर 29 सीटें हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बताई जाती है। राजस्थान की भी यही हालत है, क्योंकि वहां पर भी जो 25 लोकसभा सीटें हैं वहां पर सीधे कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होने वाला है। बाकी दल छोटे हैं जिनका अस्तित्व ज्यादा नहीं है। गुजरात में तो और कोई दल अभी तक नहीं पनप पाया। कांग्रेस और बीजेपी का वहां पर 26 सीटों पर सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी एक दो नहीं छोटे छोटे 6 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब आप सोचिए ऐसे में पूरा विपक्ष उनके खिलाफ कैसे हो गया। पंजाब की 13 सीटों की हम बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग है। उत्तराखंड और हिमाचल की 9 सीटें हैं, वहां पर जरूर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, क्योंकि बाकी दल का वहां पर कोई अस्तित्व नजर नहीं आता है। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, तो आप पार्टी एकला चलो की रणनीति पर चल रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की 42 सीटें पर बीजेपी और बाकी जो दल हैं वो अलग थलग हैं, कोई विपक्ष वहां पर एक नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी आम सभा में लोगों को गलत जानकारी देते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे देश का विपक्ष यानी बीजेपी को छोड़कर सारे राजनीतिक दल उनके खिलाफ हैं और वो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आमतौर पर सारे राजनेता आम सभाओं में आधे से ज्यादा गलत जानकारी देते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन ये उनकी राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे देश के राजनेता झूठ बोलते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जल्द ही चुनावों की तारीख घोषित हो जाएगी, लोग अपने विवेक से वोट करें, यही हम अपील भी करते हैं। आप देखते रहिए घमासान.com पर यह कार्यक्रम दे दनादन। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।